ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। दुष्कर्म का आरोपी पकड़ा, छिपा था गांव में। खबर है मुरैना कैलारस से। कैलारस जनपद की ग्राम पंचायत नेपरी में एक सप्ताह पूर्व 10 साल की मासूम से हुए दुष्कर्म का आरोपी पकड़ लिया गया है। पिछले 3 दिन से कैमरे के सामने कराई परेड के दौरान बालिका ने आरोपी की पहचान की है। वहीं आरोपी ने भी अपराध करना स्वीकार कर लिया है। आरोपी घटना के बाद 3 दिन गाँव से बाहर रहा और वह फिर स्वयं की पहचान बदलकर गाँव में रहने लगा। अगर कैमरे से पहचान नहीं कराई गई होती तो आरोपी पकड़ में नहीं आता। पहली बार पुलिस ने जिले में आरोपी को पकड़ने के लिए गांव में कैमरा सेटअप को लगाया। विदित हो कि नेपरी में 13 अप्रैल को 10 वर्षीय मासूम से आरोपी ने दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया था। इस घटना को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असीत यादव ने गंभीरता से लिया। वारदात को ट्रेस करने के लिए उसी दिन से ASP हंसराज सिंह, SDOP सुजीत सिंह भदौरिया ने लगातार कैलारस में कैंप किया और हर एंगल से पड़ताल की, तब कहीं सफलता मिल सकी। पुलिस ने कैमरे के सामने गांव के करीब 5 सैकड़ा से अधिक लोगों को पहचान के लिए लाया गया। स्क्रीन पर पीड़ित बालिका से पहचान कराई गई। आरोपी 3 भाई हैं, उसमें से दूसरे नंबर के भाई को देखकर बालिका बोली, यही है। चूंकि आरोपी व दूसरे नंबर के भाई की शक्ल एक जैसी लगती है, लेकिन जब मुख्य आरोपी कन्हैया पुत्र आसाराम कुशवाहा को सामने लाया गया तो बालिका एक साथ तेज आवाज में बोली, यही है। पुलिस ने आरोपी कन्हैया कुशवाहा को पुलिस कस्टडी में ले लिया है। उसने स्वयं भी अपराध करना स्वीकार कर लिया है। आरोपी के बारे में बताया गया है कि लॉकडाउन से पूर्व वह गुजरात से आया है। वहां पर ऑटो चलाने का काम करता था। गांव में भी आवारा नशा करके घूमा करता था। मुरैना जिला SP डॉक्टर असीत यादव ने बताया कि मासूम से दुष्कर्म के आरोपी की पहचान हो गई है। यह सब गांव में लगाए गए कैमरे सेटअप की वजह से संभव हो सका है। आरोपी ने वारदात के बाद कान की बाली निकाल दी और दाढ़ी के बाल बनाकर गाँव में रह रहा था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठित टीम को उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कम समय में अज्ञात आरोपी को पकड़कर अपराध का खुलासा करने के लिए टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। अज्ञात आरोपी को पकड़ने में कैलारस थाना प्रभारी के N त्रिपाठी, उप निरीक्षक राहुल उपाध्याय, उप निरीक्षक राहुल भगेल, उप निरीक्षक रेखा मिश्रा, थाना कैलारस वाल्मीक चौबे, थाना प्रभारी पहाड़गढ़ धर्मेंद्र गौर, थाना प्रभारी रामपुर, उप निरीक्षक रंजना चौहान, अविनाश राठौर, क्राइम स्क्वाड मुरैना एवं थाना स्टाफ कैलारस का विशेष योगदान रहा। प्राइम न्यूज 24 के लिए जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। लगता है कि आप इस चीज पे रोक लगा पाएंगे आगे, ऐसा कोई घटना कम ना, क्योंकि अचानक ही गंभीर प्रकृति के अपराध घटित होते रहते हैं और पुलिस का काम है अपराध पर नियंत्रण करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना। तो अपराध पर नियंत्रण भी करेंगे, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार कोई भी अपराध ऐसा पेंडिंग नहीं है जिसमें खुलासा न कर सके। पुलिस करते रहते थोड़ा टाइम तो लगता है। इतना समय लग गया, आपको लगता है कि अगर आपका सूचना तंत्र अच्छा होता, आपका खुफिया तंत्र अच्छा होता तो इसका खुलासा जल्दी हो सकता था? क्योंकि नाबालिग बच्ची जो है वो GH ग्वालियर में एडमिट थी। जैसे ही वो एडमिट होकर तत्काल छुट्टी करके आए और हम लोगों ने अपना जो है काम चालू कर दिया। इसमें सूत्रधार वो पीड़िता थी, वो पीड़िता ने इसका सहयोग किया और हम जो है आरोपी भी मेलवान तक पहुँच सके। GH हॉस्पिटल में पीड़िता एडमिट होने की वजह से थोड़ा टाइम लगा।